नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैं एक पार्ट की वीडियो, पार्ट वन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, इंट्रोडक्शन की बात की थी, इसके डिफाइन को समझा था, उसके बाद इसके कॉजेज़ क्या होते हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी इसके डायमेंशंस की और उसमें हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की बात की थी ग्लोबलाइजेशन के। सबसे पहला था इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, दूसरा था पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन और तीसरा था कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। और फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को समझा था, तो बाकी के जो डायमेंशंस बचे हुए हैं वो सब हम इस वीडियो में कवरअप करने वाले हैं। तो सारी चीज़ देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की। अब समझिए, पॉलिटिकल वर्ड है, उसका मतलब ही क्या होता है। पॉलिटिकल मतलब एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू पब्लिक और स्टेट और गवर्नमेंट, किसी राज्य से संबंधित, वहाँ के लोगों से संबंधित या सरकार से संबंधित। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी को आपस में जोड़ देना, इंटरलिंक कर देना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी एक देश के अंदर कुछ भी डिफरेंसेस, कोई भी मतभेद होते हैं, उसको सुलझाने के लिए उस देश की सरकार काम करती है। लेकिन जब बात आती है ऐसे प्रॉब्लम्स की, ऐसे मसलों की, ऐसे इश्यूज़ की जिस पर पॉलिटिकल कोऑपरेशन ज़रूरी होता है, जिस पर सभी सरकारों का कोऑपरेशन ज़रूरी होता है, ऐसे टाइम पे ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है। तो होता क्या है, कुछ ऐसी बॉडीज़, कुछ ऐसे ऑर्गन्स बना दिए जाते हैं जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट का काम करते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं अलग अलग जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके कोऑर्डिनेट को मजबूत करते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो वो है जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो जितने भी व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, या फिर जो भी झगड़े होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं जो कि ट्रेड से रिलेटेड होते हैं या ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, उन सभी को सॉल्व करने के लिए WTO काम करता है। तो अब होता क्या है कि बड़े बड़े ऑर्गन्स बना दिए गए हैं जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट की तरह एक्ट करते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं कि अलग अलग सरकारों को आपस में कॉपरेट करके उनमें इवोल्यूशन को मजबूत करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप आप पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे डायमेंशन की दोस्तों। तो उसका तीसरा डायमेंशन है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को हम लोग समझते हैं, कल्चर का मतलब वहाँ की संस्कृति, संस्कृति का मतलब वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, लोग क्या भाषा बोलते हैं, कैसे रहते हैं, ये सभी चीज़ें कल्चर के अंदर आती हैं। और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब बड़ा सिंपल है कि सभी दुनिया के जो कल्चर हैं या दुनिया के कोई एक देश के कल्चर को बाकी सभी देशों के साथ मिक्सअप कर देना, जोड़ देना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि हम देखते हैं कि हॉलीवुड मूवीज़ हो गई या उनका कंसेप्ट हो गया, या विदेशों के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर क्या पहना जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, तो अगर उनका कल्चर अट्रैक्टिव होता है या पावरफुल होता है तो बिल्कुल भी देर नहीं लगती है वो कल्चर पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगता है, पूरी दुनिया में फैल जाता है। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ का खान पान है, वहाँ के जो डिशेज़ हैं, चाहे मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, या चाइनीज़ कुछ डिशेज़ हैं, तो अगर वो पावरफुल होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, तो होता क्या है, वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह जाती, वो कल्चर वो उस देश का बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगता है। तो उसी के अंदर एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। इस चीज़ का मतलब समझिए, हम लोग बचपन में पढ़ते थे होमोजीनियस मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जो कि आपस में मिल जाता जैसे दूध और पानी का। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब है कि अलग अलग कल्चर्स का आपस में जुड़ जाना, आपस में मिक्सअप हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं इंडिया के अंदर जैसे ऊपर लोग खादी कुर्ता पहन लेते हैं, इट इज़ अ टिपिकल ट्रेडमार्क, इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे लोग ब्लू जींस पहन लेते हैं जो कि अमेरिकन या वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो ये पार्ट है सारा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें हम देखते हैं कि दुनिया कल्चर तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर आपस में पूरी तरीके से जुड़ जाती है। इंडिया का हम एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया के बहुत सारे कल्चर हैं जैसे योगा है, योगा और आयुर्वेद का जो कल्चर था पहले इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ, लेकिन इसको देखते हुए धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया ये कल्चर हमारा पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को समझा, इसके अलग अलग डायमेंशंस को समझा। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत के अंदर वैश्वीकरण की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो इंडिया के अंदर बात की जाए तो ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट था इंडिया में 1991 के अंदर आया, उस वक्त
नरसिम्हा राव की सरकार थी, जब सरकार ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। और इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का बड़ा सिंपल सा मतलब था कि इनके तहत इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया। यहाँ पर मतलब है लिबरलाइज मतलब भारत की इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला गया और दुनिया के कंपनीज़ को इन्वाइट किया गया कि आप आइए और इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए अलग अलग, जिससे कि MNCs को भारत के अंदर इन्वेस्ट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे इंडिया ने उनको मिनिमाइज़ किया, कम से कम किया। फ्री ट्रेड को भी इंडिया ने प्रमोट किया। तो ये इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया और इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का जो क्रेडिट है वो सबसे ज़्यादा डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है, क्योंकि जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी उस वक्त इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उन्हीं के द्वारा इन पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मनमोहन सिंह काफ़ी हद तक इनको क्रेडिट जाता है इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का। और जैसे भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया उसके बाद से इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और इंडिया के अंदर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, इंडिया की GDP रेट भी बढ़ने लगी। और इस तरीके से इंडिया धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में भारत का नाम आने लगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट की। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको जितने भी मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जिस भी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जनरेशन ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब है कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तब से भारत के अंदर, भारत या फिर दुनिया के किसी भी देश के अंदर जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन आया है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, रोज़गार के जरिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे हम देखते हैं कोई भी MNC अगर इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आती है तो होता क्या है कि वहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ हैं सेटअप होती हैं, उनके कॉर्पोरेट सेक्टर सेटअप होते हैं, इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, उसके लिए लेबर चाहिए होती है, इंजीनियर चाहिए होते हैं, मैकेनिक चाहिए होते हैं, वो सारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कहाँ से आता है, वो इंडिया से आता है। और जब इंडिया से चीज़ें आती हैं तो वहाँ के जो लोग, किसी भी देश के जो लोग होते हैं उनके लिए ऑब्वियसली बात है क्या होता है, इकोनॉमिक लेवल पर या फिर हम बोल सकते हैं रोज़गार के जो जरिए होते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो वो है इंक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑब्वियसली बात है जब ग्लोबलाइजेशन आएगा तो दुनिया की बहुत सारी कंपनीज़ किसी भी देश के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगी तो किसी भी देश का ट्रेड तो ऑब्वियसली बढ़नी है, बढ़ना ही बढ़ना है। उसके अलावा होता क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इंडिया के केस में हम देखते भी हैं कि इंडिया तो दुनिया का जो है सबसे वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा क्या होता है, जब अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं, कोई भी कंपनी आती है उससे रिलेटेड बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हो। इससे होता क्या है, किसी भी देश का ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ता है और जब ट्रेड बढ़ता है तो उस देश की GDP भी धीरे धीरे दोस्तों बढ़ने लगती है। दोस्तों उसका तीसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंक्रीज्ड इन द टेक्नोलॉजीज़। तो टेक्नोलॉजीज़ का एडवांसमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिससे बहुत बड़े बड़े काम दुनिया को करने में बहुत आसानी होती है। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से दुनिया के खासतौर पर जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे कि उन देश का कामकाज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है दोस्तों। चौथे पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो वो है इंक्रीज्ड इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है ग्लोबलाइजेशन के आने से। जैसे कि हम देखते हैं कि जब MNCs इंडिया के अंदर आने लगती हैं तो उनके पास, लोगों के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि पहले लोग सिर्फ जो है अपने दांत को साफ़ करने के लिए सिर्फ लाल दंत मंजन का इस्तेमाल करते थे या फिर रेख का इस्तेमाल करते थे, लेकिन या नीम का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन आया लोगों के पास बहुत सारे ब्रांड्स आ गए। अब जब ब्रांड्स आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया दोस्तों। अब हम इसके बात करते हैं इसके आखिरी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो पहले नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ये है कि इट क्रिएट्स द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। मतलब क्या है दोस्तों, जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है वो इकोनॉमिक तौर पर इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाता है। मतलब क्या है कि जिस भी देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन आता है तो अमीरों के लिए, रिच पीपल के लिए उस ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ चलना, कॉपरेट करना बहुत आसान होता है, वो उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, नो डाउट इस बात में। लेकिन जो गरीब वर्ग होता है, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है,
वो ग्लोबलाइजेशन को बहुत हार्डली समझ पाता है, बहुत मुश्किल से उसके साथ कॉप अप कर पाता है, उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, जिसके कारण वो गरीब रह जाता है और अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। तो इट क्रिएट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो वो है इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी। मतलब जब मैंने आपको पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन बताया था, उसमें आपको बताया था कि राज्य की मतलब सरकार की डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो ग्लोबलाइजेशन के आने से बहुत कम हो गई है। इसका मतलब सरकार का मार्केट के ऊपर ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं बचा है, सरकार का ध्यान भी सोशल वेलफेयर से हटके सिर्फ और सिर्फ मार्केट को मेंटेन करने में लगा रहता है। या हम बोल सकते हैं कि सरकार की जो पावर्स हैं वो सीमित होकर सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन होने तक ही सीमित रह गई है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं आखिरी नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो वो है लॉस ऑफ द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़। ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर बाहर से कोई भी बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर आती है, सपोज़ कीजिए, तो वो MNCs का टर्नओवर अपने आप में ही लाखों करोड़ रुपए का होता है, तो उसके सामने कोई लोकल इंडस्ट्री मतलब वहाँ की इंडिजीनियस इंडस्ट्री उसको टक्कर नहीं दे पाती है। और रिजल्ट क्या निकल के आता है कि जो जितनी बड़ी MNC इंडिया के अंदर आती है, अपने फील्ड के अंदर जो भी लोकल और इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता और वो उनके सामने दब जाती हैं दोस्तों। तो ये सारा कंसेप्ट था ग्लोबलाइजेशन का। आई होप बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।